महज 48 घंटे पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले ये हैं सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर, जो आज सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के साथ मतदान करने पहुंचे। वोट डालने के बाद तंवर ने अपने पुराने सियासी ठिकाने पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश के लोगों की उम्मीद बताई। इस दौरान कांग्रेस में वापसी के सवाल का जवाब तंवर ने शायराना अंदाज में देते हुए कहा, कई बार दूर खड़ी घास हरी दिखती है लेकिन नजदीक आने पर कुछ और हकीकत पता चलती है। हाईएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे यहाँ होती है और इस बार जब पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का माहौल है, सब लोग कह रहे हैं कि हाथ बदले का हालात, उस नारे के साथ जब मैं समझता हूँ कि बदलाव का माहौल दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में प्रदेश का जो नेतृत्व है हमारा, जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, जो नफरत थी उसको खत्म करने का प्रयास किया, किसान गरीब मजदूर कर्मचारी हमारी मातृशक्ति, हर वर्ग दलित हो पिछड़ा हो हमारे अकलियत के साथी हो, समाज में जिसको भी जरूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई संघर्ष में, चाहे किसानों का आंदोलन था, तो ये मैंडेट उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जिनको मौका पिछले 10 वर्षों में मिला लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जनता की भावनाओं पर खरे नहीं उतरे और उसके लिए मैं समझता हूँ कि मतदान होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नारा देती थी कि 75 पार होगा, वो नारा कांग्रेस के साथ इस बार हरियाणा की जनता पूरा करेगी। 75 का आंकड़ा कम से कम उतनी होंगी और ऊपर कितनी भी सीटें जा सकती हैं। और यहाँ से हमारे स्थानीय प्रत्याशी भाई गोकुल सेतिया जी है, बड़ा सेवक परिवार रहा है और मैं समझता हूँ कि युवा प्रत्याशी को हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल जी ने किया, हम भी उसी क्रम में आज से 15 साल पहले लोगों ने यहाँ से सांसद जिताया था, आज ये भी नौजवान हरियाणा की विधानसभा में नुमाइंदगी करें, ऐसा सिरसा की जनता चाहती है। घर वापसी क्या होती है, मैं तो गया का था, अपने सारे लोगों के बीच में था, उनके बीच में संघर्ष कर रहा था और मैं समझता हूँ कि इस बीच में और भी चीजें देखी हमने, अनुभव जो है वो कई बार कहते हैं कि दूर की जो घास होती है वो हरी हरी दिखती है लेकिन जब हम जाते हैं तो कुछ और हकीकत होती है। इस बीच में पूरे सिस्टम को देखने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि वो आगे भी हरियाणा और देश की बेहतरी के लिए काम आएगा। यही एक फौजी किसान परिवार से है तो हमारा कमिटमेंट देश से है और मैं समझता हूँ देश के लिए जो कदम अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है, वही हमने उठाया। प्रदेश में देखिए आज इसमें कोई डाउट नहीं है कि दलित सेंट्रल स्टेज पे है, बहुत लोगों के अंदर इस बात का वो है कि भाई हमारे प्रदेश में जो है कभी मौका हमें भी मिले, बाकी फैसला तो ये आलाकमान करती है, विधायक करते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला लेती है, ये मैं सबको कहूँगा और उसी हिसाब से हर साथी हरियाणा का, हरियाणा वासी जो भी हमारी बात सुन रहा है, मैं उनसे कहूँगा कि भारी मतदान के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुन करके कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको विधानसभा में भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वही मतदान करने के बाद सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया ने कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, आने वाले दिनों में वो सिरसा में भरपूर विकास करवाने का काम करेंगे और लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी है जिसे वो ब्याज समेत चुकाने का काम करेंगे। देखिए पिछली बार जिस प्रकार से लोगों से चूक हुई थी कि कांग्रेस की 30-31 सीटें आई थी और 10 के करीब ऐसी सीटें थी जहां आई थिंक 1000 से नीचे मार्जिन जो है वो रहा था, और जहां तक बात रही मेरे चुनाव की तो 600 का डिफरेंस रह गया था। तो अब की बार लोगों ने यह महसूस किया कि 5 साल जो परेशानियां सिरसा की जनता को हुई तो अब वो जो चीजें हैं उससे बनवास मिले, तो बढ़िया रुझान लग रहा है। लगातार आप भी ये बातें उठाते रहे कि 5 साल में विकास नहीं हुआ, सिरसा के लोगों का धोखा करने का काम किया,
कितना समर्थन आपको मिल रहा है और आगे किस तरह से देखते हैं और आगे आपका क्या विजन रहेगा? विजन यही है जी, समर्थन जिस प्रकार का पिछले चुनाव में भी मिला, जो अब प्यार लोगों का मिल रहा है। देखो मैं तो मतलब मेरा परिवार है और मेरी पहचान बनाने वाले मेरे सिरसावासी हैं। असा अपना ब्यास समेत सिरसा वालों का एहसान जो है वो उतारने का गोकुल से थे काम करेगा और आप देखिएगा कि हमारा सिरसा किस तरीके से विकास की बुलंदियों को छूने का काम। बता दें कि अशोक तंवर ने चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन यानी 3 अक्टूबर को महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में अचानक कांग्रेस को ज्वाइन कर सबको चौंका दिया था। इसी के साथ पूरे चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील करने वाले तंवर के सुर भी बदले और अब वो भी कहने लगे हैं हाथ बदलेंगे हालात। बहरहाल उनकी वापसी कांग्रेस को सिरसा में कितना फायदा पहुंचाती है ये तो 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।